तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कुरान जलाने वाले देशों को मुस्लिम देशों से लगा बड़ा झटका। मुस्लिम देश ईरान ने कुरान जलाने वाले देशों को सजा देने का किया ऐलान, अंग्रेजों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को कथावाचक देवी चित्रलेखा ने बताया गलत, कहा चमत्कार के नाम पर पूरे देश में फैला रहे अंधभक्ति। वहीं आपको आएंगे दोस्तों की मुस्लिम विरोधी है मोदी सरकार, कांग्रेस नेता ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना बंद करने पर उठाए सवाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों की मांगे पूरी ना होने पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, बोले 10 फरवरी को किसान महापंचायत का करेंगे आयोजन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबा रामदेव को लगने वाला है बड़ा झटका, बाबा रामदेव के नमाज पर दिए गए बयान से नाराज हुए देश के उलमा, मुसलमानों से पतंजलि के प्रोडक्टों का बहिष्कार करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोवा चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए आम आदमी पार्टी ने 100 करोड़ रुपए किए खर्च, कांग्रेस ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सरजिल इमाम को जामिया हिंसा के मामले में कोर्ट ने बेइज्जत किया बरी, पुलिस से बोले पुलिस ने बनाया इन्हें जबरदस्ती बलि का बकरा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कुरान शरीफ जलाने वाले देशों को सजा देगा ईरान, ईरान की सरकार ने किया ऐलान, अंग्रेजों की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूरोपीय देश स्वीडन और नीदरलैंड में कुरान शरीफ को जलाकर इस्लाम का अपमान किया गया, जिसके बाद तुर्की सहित कई मुस्लिम देश नाराज हुए और मुस्लिम देशों ने इन दोनों देशों पर कार्रवाई की। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इस्लाम के कट्टर समर्थक ईरान ने अब इन देशों को सजा देने का ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान की सरकार ने ऐलान किया है कि जिन लोगों ने भी कुरान शरीफ जलाकर इस्लाम का अपमान किया है उनको किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे और उन्हें सजा देंगे। वहीं आपको बता दें कि ईरान की सरकार ने आगे कहा है कि आज हम इस्लाम और कुरान के संरक्षक हैं, जो लोग कुरान जला रहे हैं हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि वही आग एक दिन तुम्हारे शरीर को पकड़ेगी और लाश बन जाओगे, आज से तुम सब बचकर रहो और हर रात बुरे सपने देखो, चाहे दशकों बीत जाएं लेकिन मुसलमान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान ने ये बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने खुले तौर पर कह दिया है कि जिन देशों में भी कुरान शरीफ जलाई गई और इस्लाम का अपमान किया गया है उन देशों को किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ेंगे और बदला लेकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध मुद्रे कथावाचक देवी चित्रलेखा बताया बाबा को झूठा। जब दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को बड़ा झटका कथावाचक देवी चित्रलेखा ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दुर्ग में कथा करने पहुंची कथावाचक देवी चित्रलेखा ने चमत्कार दिखाने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। देवी चित्रलेखा ने दोटू कहा कि भक्ति में कभी भी चमत्कार नहीं होता है, वो विश्वास है। संत चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो उसका सम्मान करना चाहिए। कुछ लोग संत को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। भगवान की जगह कोई नहीं ले सकता। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नकलों में रामचरितमानस की प्रति जलाए जाने वालों पर भी कड़ी प्रतिक्रिया और कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि जो बागेश्वर धाम के बाबा चमत्कार बताते हैं वो चमत्कार नहीं है, वो अंधविश्वास फैला रहे हैं और कोई भी भक्ति में बाबा चमत्कार नहीं कर सकता। सिर्फ लोग विश्वास करते हैं और उस बाबा को लोग भगवान मानने हैं। भगवान की जगह धीरेन्द्र शास्त्री बाबा नहीं ले सकते और वो देश में झूठ फैला रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कथावाचक देवी चित्रलेखा ने ये बड़ा हमला बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को बताया मुस्लिम विरोधी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप को बंद करने के फैसले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम समुदाय के छात्रों के जीवन को और कठिन बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न फेलोशिप योजनाओं के साथ तालमेल नहीं बना पा रही है।
इसलिए सरकार ने 2022-23 से इस योजना को बंद करने का फैसला किया है। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म करना मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए शिक्षा ऋण के लिए सब्सिडी पूरी तरह से खत्म करना सरकार का तर्कहीन मनमाना बहाना है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार मुस्लिम समुदाय के छात्रों के जीवन को और कठिन बनाना चाहती है और मुस्लिम समुदाय के लोग ना पढ़े, इसलिए इस तरह की काम कार्रवाई कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों की मांगे पूरी ना होने पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। बोले 10 फरवरी को किसान करेंगे महापंचायत। जदोस आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में भारतीय किसान यूनियन के धरने का आज 8वां दिन है। किसान लगातार धरने पर अडिग रहकर अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। कल यानी दोस्तों भारी संख्या में ग्रामीण किसानों ने धरना दिया और यहां पर पहुंचे। इसी दौरान राकेश टिकैत ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे 10 फरवरी से पहले पहले पूरी नहीं हुई तो 10 फरवरी को किसान महापंचायत करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे और फिर देखना होगा किसानों को कि कहां पर प्रदर्शन करना है, प्रदर्शन खत्म करना है या नहीं। वहीं राकेश टिकैत ने संकेत दिया अगर मोदी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो है मांगे नहीं मानी तो 10 फरवरी को बड़ा आंदोलन किसान नेता कर सकते हैं जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव के बयान से नाराज हुए उलमा, पतंजलि के प्रोडक्टों का बहिष्कार करने का किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव के विवादित बयान पर देवबंदी उलमा नाराज हो गए हैं। देवबंदी उलमाओं ने नाराज होकर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट मुसलमानों से इस्तेमाल न करने को कह दिया है। प्ले मानू ने साफ तौर पर कहा कि बाबा रामदेव योग गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, उन्हें दूसरे धर्म के बारे में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि उनके अपने प्रोडक्ट अगर वह अपनी बयानबाजी से नहीं रुके तो मुसलमान उनके प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना बंद कर दे, पतंजलि के प्रोडक्टों का देश भर के मुसलमान बहिष्कार करें। इतना ही नहीं, मुफ्ती अरशद कासमी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि जलने वाले लोगों को जेल भेजकर कार्रवाई करें और बाबा रामदेव के इस बयान पर सख्त कार्रवाई करें। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने नमाज पढ़ने को लेकर एक विवादित बयान दिया था जिसके बाद में यह हंगामा हो गया है और मुसलमानों ने अब पतंजलि के प्रोडक्ट का बहिष्कार करने का ऐलान किया। तो बाबा रामदेव एक बार फिर से फकीर होने वाले हैं और इन्हें करोड़ों का नुकसान होने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गहलोत सरकार के साथ अडानी ग्रुप का मांग रद्द होगा, सीएम अशोक गहलोत कल दिल्ली जाएंगे। जदोस आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जो है 5 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हैं। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत अडानी ग्रुप संग हुए 60,000 करोड़ के AOU पर राहुल गांधी संग चर्चा कर सकते हैं। बता दें राजस्थान में सोलर प्रोजेक्ट के लिए पिछले दिनों गहलोत सरकार ने 60,000 करोड़ का मयो किया था। गौतम अडानी ने गहलोत की मौजूदगी राज्य के बाहर से आने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए भाषण दिया था। अब इस MOU के रद्द होने की संभावना से औद्योगिक क्षेत्र में खलबली है। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली यात्रा के दौरान इस पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि राहुल गांधी इस MOU को रद्द करवा सकते हैं क्योंकि अडानी ग्रुप बर्बाद होने वाला है और अडानी की पोल खुल गई और अडानी को अरबों खरबों रुपये का नुकसान हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोवा चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए आपने 100 करोड़ रुपये खर्च किए, कांग्रेस ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। जदोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए 100 करोड़ रुपये का शराब घोटाला दिल्ली में किया। अजय माकन ने शुक्रवार को ये बातें कही हैं। उन्होंने आगे कहा कि गोवा में कांग्रेस खिलाफ प्रचार करने के लिए केजरीवाल ने शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल किया। उन्होंने आगे कहा कि केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए 100 करोड़ का शराब घोटाला किया। उन्होंने कहा कि गोवा में आप पार्टी ने घोटाले के दम पर कांग्रेस के वोट काटने के काम किए लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सर्जिल इमाम को जामिया हिंसा के एक मामले में बेइज्जत कोर्ट ने किया बरी, बताया बलि का बकरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने
केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नजदीक हुई हिंसा के मामले में JNU के छात्र और 10 अन्य लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है। अदालत ने इन्हें आरोप मुक्त करते हुए कहा कि असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार का ही विस्तार है। साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज अरुण वर्मा ने इस मामले में सरजिल इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूरा जरगर और 8 अन्य लोगों को आरोप मुक्त किया है। इसमें से अधिकतर छात्र हैं। सिर्फ एक अभियुक्त मोहम्मद इलियास को छोड़कर सभी को आरोप मुक्त कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इनको कोर्ट ने बलि का बकरा बनाया है। कहा है कि पुलिस इस मामले में कोई भी सबूत हमारे पास नहीं ले पाई और इन्हें सरजिल इमाम सहित जो लोग हैं इनको बलि का बकरा पुलिस ने बनाया और हिंसा किसी और लोगों ने फैलाई और सही व्यक्तियों को पुलिस नहीं पकड़ पाई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाइज्जत जो है सरजिल इमाम को जामिया हिंसा के मामले में बरी कर दिया गया है। तो किस तरह से दिल्ली पुलिस ने मुसलमान होने के कारण साजिश रची थी और मुसलमानों को फंसाया था।